दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि 3.5 लाख रुपए में डिजाइन में मकान कैसे बना सकते हैं और उसमें कितने रूम बना सकते हैं हम और कितना क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि 3.5 लाख रुपए में आप अपना मकान मजबूती के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल A to Z जानकारी दूंगा इस मकान के बारे में मैं आपको, जिससे कि आप 3.5 लाख रुपये में मकान बना सकते हैं। तो दोस्तों जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि ये मकान 3.5 लाख रुपए में तैयार किया गया है। अभी इसके ऊपर छत नहीं डाली गई है क्योंकि अभी इसमें काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर 2 से 2.5 फीट तक भरान करा गया है, यानी कि नीचे मिट्टी जो है इसके अंदर 2 से 2.5 फीट डाली गई है, उसके बाद ये मकान तैयार किया गया। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा लॉबी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर रूम की बात करते हैं अब, तो ये आपका सामने से एक रूम मिल जाता है जिसकी लंबाई 16 फीट है, 16x12 फीट का ये रूम है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये अलमारी भी देखने को मिलती है। और बात करते हैं हम, क्योंकि ये अलमारी हर रूम के अंदर अटैच की गई है, क्योंकि अलमारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप कुछ भी सामान उस पर रख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये सामने ही 3 रूम दिए गए हैं, साथ ही साथ इसमें 4 इंची की दीवार भी लगाई गई है, क्योंकि 4 इंच की दीवार से ही बीच में हमें 9 इंच की दीवार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 इंच की दीवार भी काफ़ी है हमारी, क्योंकि बाकी दीवारें हमारी 9 इंच की हो जाती हैं, पीछे वाली दीवार जो है हमारी वो भी 9 इंच की है, और सामने की दीवार की बात करते हैं तो वो भी 9 इंच की है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा दूसरा रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। रूम की लंबाई बिल्कुल सेम है, जो मैंने बताई आपको वही सेम लंबाई रखी गई है, लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम रखी गई है। आप दीवार देख ही रहे हैं कि ये 9-9 इंच की साइडों में, बाहर साइड से सब में 9 इंच की दीवार लगाई है, बाकी बीच में जो है 4 इंच की दीवार दी गई है। की बात करते हैं तो अलमारी जो है आपकी, आप देख रहे हैं हर रूम के साथ जो दी गई है, इस अलमारी का जो साइज़ है वो 4 फीट चौड़ा दिया गया है, बाकी पूरी लिंटर तक है ये अलमारी, क्योंकि आप इसमें किसी भी प्रकार का सूटकेस वगैरह बनवा सकते हैं, लकड़ी का फ्रेम भी आप बनवा करके इसे अच्छी तरीके से डिजाइन में बनवा सकते हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि 3 रूम आपके पूरे कम्प्लीट हो गए, ये चौथा जो है हमारा देखने को मिल जाता है किचन। जी हाँ दोस्तों, ये किचन की दीवार आप लोग देख ही रहे हैं कि ये किचन की दीवार जो है बनाई जा रही है। इसके साथ साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें जो है 4 इंच की दीवार लगाई जा रही है, क्योंकि इसमें बीच में जो है 4 इंच की दीवार ही लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो है खर्च भी आधा हो जाता है, और जो है अगर आप 9 इंच की दीवार लगाते हैं तो उसमें आपका खर्च भी बढ़ जाता है। साइड में आप लोग इसके देख ही रहे हो कि ये मंदिर घर है साइड में, और एक किचन हो गया है आपका, और साथ ही साथ इसमें 3 रूम भी दिए गए हैं, और सामने आप लॉबी भी इसकी देख ही रहे हैं। काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा ये मकान है, जिसमें कि कुल लागत 3.5 लाख की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 3.5 लाख की इसमें लागत लगी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर इतनी कम लागत क्यों आई है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा किसी भी रूम के अंदर स्लेब, टांड मचान कुछ भी नहीं दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टांड मचान के अंदर, अगर आप किसी भी रूम के अंदर टांड मचान देते हैं तो उसमें आपका खर्च बढ़ जाता है। नंबर 2 है ये कि जिससे कि आपके टांड मचान जब कम हो जाते हैं तो आपका खर्च कम हो जाता है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये डिजाइन के साथ बिल्कुल तैयार किया जा रहा है मकान, जिससे कि आपका जो है खर्च कम आ सके और डिजाइन में भी मकान बन सके। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी मजबूती की। तो दोस्तों मजबूती बिल्कुल पक्की मजबूती के साथ ये बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं नीचे भी 1 फीट का बीम इसके अंदर डाला गया है, कॉलम भी बरकरार दिए गए हैं, कॉलम का साइज भी आप लोग देख ही सकते हैं, 9 के जो है इसके अंदर कॉलम डाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 9x9 के इसके अंदर कॉलम डाले गए हैं। तो दोस्तों आप अब दिखाते हैं हम पिछली वाली साइड, पिछली साइड से आप लोग देख सकते हैं कि मकान काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन के तौर पर तैयार किया गया है, बिल्कुल नक्शे के तौर पर इसे तैयार किया गया है, और वो भी कुल 3.5 लाख रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आप और क्या ले सकते हो इसके अंदर, जिससे कि आपको 3 रूम देखने के लिए मिल जाते हैं, और किचन मिल जाता है, मंदिर घर मिल जाता है, लैट्रिन बाथरूम सभी कुछ इसके अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।